खंदक मोड़ पर कबीर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का हुआ शुभारंभ। कम कीमत में एक ही छत के नीचे मिलेगी सारी सुविधाएं। कम कीमत में गरीब व असहाय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से लोगों को डॉक्टर के प्रति सहानुभूति मिलती है, जिससे इंसान पीछे मुड़कर नहीं बल्कि हमेशा आगे तरक्की की ओर अग्रसर होता है। उक्त बातें बिहार शरीफ के खंदक पर मोड़ के समीप कबीर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करते हुए IMA के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने कहा। उन्होंने किन्नी के उत्तरोत्तर विकास की कामना करते हुए कहा कि कम से कम फीस लेकर लोगों की हमेशा सेवा करने का प्रण लेना चाहिए। इस मौके पर IMA के प्रदेश अध्यक्ष व शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद ने कहा कि जिस तरह शहर विकसित हो रहा है, ऐसे में हर कोई एक ही अस्पताल में सारी सुविधाएं खोजते हैं। इससे उन्हें कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस अस्पताल के संचालक के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि एक ही छत के नीचे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का सभी प्रकार का इलाज हो सके। मौके पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर आनंद कुमार ने कहा कि हमारी इस अस्पताल में जनरल फिजिशियन, ऑर्थो, सर्जरी के अलावे ICU, NICU व जनरल वार्ड की व्यवस्था दिन रात मरीजों को मिलेगी। कम कीमत में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदान करना ही हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर डॉक्टर नागेंद्र कुमार, डॉक्टर जवाहरलाल, डॉक्टर ऋषभ कुमार, डॉक्टर ममता रानी, डॉक्टर स्नेहा कुमारी, डॉक्टर मनीष नारायण, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर उमेश प्रसाद, डॉक्टर रविंद्र कुमार, महेश कुमार, राममूर्ति प्रसाद, प्रमोद चंद्रवंशी के अलावे शहर के कई चिकित्सक व गणमान्य लोग मौजूद। जनहित में काम करें, यहाँ से एक ऐसा अस्पताल बनाए तो लगा कि हर गरीबों का अस्पताल, कम से कम फीस में काम करें, ऑपरेशन में कम से कम पैसा लें। और जिस तरह से हम लोग आज भी 50% फीस लेते हैं रिटायर्ड प्रोफेसर सर्जरी, उसको ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम भी इसी तरह से काम करोगे तो आगे बढ़ोगे। कुछ और बचा नहीं, आप सर ने बता दिया, फिर भी आप जिस दिन से मैंने देखा है आनंद को, डॉक्टर आनंद को, डॉक्टर मैं नहीं कहूँगा हैं डॉक्टर इसलिए कहना पड़ रहा है, अदरवाइज इतना सुशील और इसने इतनी बड़ी सोच लेके इस ज़िले में, इस अपने शहर में एक अस्पताल खोलने का सोचा है और अस्पताल का जो उद्घाटन हो रहा है आप लोग कर रहे हैं, तो एक ही है कि चलना चाहिए सीधे पथ रास्ते से, वो जल्दी पहुंचता है, टेढ़े मेढ़े दाएं बाएं चलने से हमेशा मंजिल छूटते जाती है, पहुंचने में बहुत दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ इनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधे चलेंगे और इस ज़िले को एक अच्छा मेडिकल सर्विस देंगे और हम लोग तो आशीर्वाद देने के लिए हैं ही। इस ज़िले को के पास पड़ोस के ज़िलों के लोगों को के लिए एक बेहतर सा अस्पताल हो, कम व्यय में जहाँ पे इलाज हो पाए और अच्छा सर्विस मिल पाए, यही सब। तो सर का आदेश है कम से कम फीस में इलाज करना, और जितना हो सकेगा सर ने जितना बताया है उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। बरबीघा में भी हम सर के बताए हुए रास्ते पे 2 साल से चल रहे हैं, और यहाँ भी कोशिश हम करेंगे कि सर जो भी बोले हैं उसको हम पूरा फॉलो कर सकें। क्या क्या ट्रीटमेंट यहाँ लोग मरीज, ट्रीटमेंट यहाँ जनरल मेडिसिन का जो भी केस है, सर्जरी का सारा केस, ऑर्थोपेडिक्स का सारा केस और सिजेरियन, जो भी सारा सर्जरी और जो भी ट्रीटमेंट है सारा यहाँ सुविधा है। NICU बच्चा के लिए निकू का शीशे का जो कहते हैं वो सारा व्यवस्था है, सारी टीम हम लोग के साथ में है और सब लोग का आशीर्वाद है, सब आप लोग का सहयोग रहेगा, सब बहुत अच्छा चलेगा।